अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किरण कंप्यूटर। तो आइए मैं आज आपको एक नया फॉल्ट बताता हूँ। मॉडल है 8000। ये मॉडल में फॉल्ट आ रहा है कि अगर इस सिस्टम को, कोई भी सिस्टम हो, 10-15 दिन अगर इसको रख दिया जाए तो ये डिस्प्ले आउट करना छोड़ देता है। ये देखें, सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद इसको पावर केबल लगाते हैं हम। ये आगे पावर वीजे केबल, ग्राफिक केबल बोला जाता है इसको। ये हम इसको पावर केबल लगाते हैं। तो ये यहाँ से इसका पावर ऑफ ऑन है बटन है इसका। ये देखें दोस्तों, ये लाइट तो जल गई है बट डिस्प्ले नहीं आ रही है। डिस्प्ले इसने छोड़ दिया है। ये सिर्फ चलते चलते कभी डिस्प्ले आ भी जाती है इसकी तो डिस्प्ले उड़ जाती है। ये देखें, अलार्म भी आया है इससे, घंटी की आवाज़ भी आई है, लेकिन यहाँ से ये लाइट इसकी पावर की जल रही है बट ये ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने ये करना है कि इसको हम खोलते हैं, इसके बोल्ट नट खोलते हैं। दोस्तों एहतियात करना है कि इसमें पावर केबल नहीं लगी होनी चाहिए ताकि कोई करंट भी लग सकता है आपको। ये पावर केबल यहाँ से निकाल लें, ये वीजे केबल इसकी निकाल लेते हैं हम। ये निकल गई, ये माउस भी निकाल देते हैं। सबसे पहले ये हम इसको रूम की जगह यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मॉडल है 8000 दोस्तों। इसमें मसला है सिर्फ डिस्प्ले का, अलार्म भी आ जाता है, घंटी भी आ जाती है बट ये ऑन नहीं होता। ये जहाँ से ये है प्रोसेसर हीट सिंक होता है, यहाँ से इसके चार नट होंगे। एक नट खुल गया हमारा, ये दूसरा नट खोलते हैं हम। ये तीसरा नट हम खोल लेते हैं। तो ये हम इसको खोलते हैं, इसका मदरबोर्ड बाहर निकालते हैं। मदरबोर्ड बाहर निकालने के बाद फिर इसकी हम सर्विस भी करेंगे, वो भी हम मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमने हीट सिंक उतार लिया है। तो यहाँ से ये बोर्ड खड़े हैं, ये देखो ये बोर्ड है। तो यहाँ से सबसे पहले शुरू करते हैं हम। ये खोला नट ये उठा लें यहाँ से। तो ये दूसरा नट है, ये लगा हुआ है बोर्ड के बाहर। सब नट बोल्ट कसे हुए होते हैं ताकि बोर्ड हिले ना अपनी जगह से। तो हम ये पेच खोल लेते हैं, पेचों को उठा लेते हैं यहाँ से। ये देखें, सेल के साथ और भी मदरबोर्ड के साथ लगा हुआ है, इसीलिए हम देखकर जहाँ भी बोर्ड लगे हुए हैं मदरबोर्ड के ऊपर सब खोल लेने हैं एहतियात से। हमारा पेच कस किसी और जगह पे भी ना लगे ताकि कोई और चीज़ ख़राब ना हो जाए। यहाँ से ये क्लिप लगा हुआ आएगा, इसको हमने ऊपर कर लेना थोड़ा सा। तो ये देखें, ये चिप जा रही है प्रिंटर केबल के लिए। यहाँ से इसको इधर से जाके यहाँ से पकड़ना है। ये देखें, यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर कर लेना है, ऊपर की तरफ खींचेंगे, थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये निकल आएगी। ये देखें, ये पत्री, यहाँ से ये पत्री निकल आई हमारी। ये इसलिए हमने दोस्तों खोला है ताकि ये नट हमारा आसानी से खुल जाए। ये बोल्ट हमने खोल लिया है और इसके साथ जाएंगे। ये देखें, और नट ये लगा हुआ है बोल्ट। ये बोर्ड हमने खोल लिया, खोलते जाएं और पड़ा भी रहे यहाँ कोई मसला नहीं, उठा लें कोई मसला नहीं है। और ये देखें दोस्तों, ये भी और खड़ा हुआ है। ये नट खोल लिया हमने और सबसे पहले हमने इसकी पावर सप्लाई निकालनी है बाहर। ये देखें, ये जैक लगा हुआ है वाइट पहला सा, यहाँ से उठा इसको। और ये दूसरा लगा हुआ है, ये ग्रिप है इसकी, ये बटन है। इसको जोर देके दबाएंगे थोड़ा सा, ये ऊपर खींचेंगे तो ये आ जाएगी। उसके बाद हमने ये सप्लाई है हार्ड डिस्क की, डीवीडी रूम की, ये सप्लाई के बटन भी यही है। इसको जोर देके थोड़ा सा ऊपर जोर देंगे, ये निकल आएगी। ये है दोस्तों डाटा केबल जो हार्ड डिस्क की तरफ जाती है, रूम की तरफ जाती है। ये देखें, ये रूम में लगी हुई है। तो ये यहाँ से हम इसको ऊपर थोड़ा सा जोर देंगे तो ये खुद ब खुद निकल आएगी। और दूसरी ये भी लगी हुई है, ये भी उसी तरह निकालनी है जैसे हमने पहले निकाली है। ये भी निकल गई और ये भी लगी हुई है। ये देखें, ये तीसरी है, इसमें दो हार्ड एडजस्टमेंट की हुई हैं। तो ये यहाँ से ऊपर कर लें, ये निकल गया हमारा। और इसके बाद ये आ रहा है सप्लाई का एक कनेक्टर, और यहाँ से जाके जैसे वहाँ से ज़ोर दे के हमने क्लिप को ऊपर किया था, यहाँ से ज़ोर दे के थोड़ा सा क्लिप को ऊपर करें, ये खुल जाएगी। और ये आ गई हमारी सप्लाई, इसको हम थोड़ा सा अंदर करेंगे तो ऊपर कर लेंगे तो ये खुद ब खुद निकल आएगी। ये देखें दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर करके इसको निकाल लेना हमें।
इसको बाहर कर लेना है हमने। तो उसके बाद आ गया ये भी ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों ये चीज़ ख्याल करनी है हमने, यहाँ लगी हुई है मदरबोर्ड के अंदर रैम, ये रैम का बटन लगा हुआ है। ये जैसे इस क्लिप को नीचे करेंगे ये ऊपर से ये रैम यहाँ से निकल आई है थोड़ी सी। ये देखें ये होती है रैम मदरबोर्ड में लगी होती है इसकी तरह। ये भी क्लिप है, इसको भी ऊपर कर लें, ये निकल आया। और ये दूसरा क्लिप भी वैसे रैम लगी हुई है इसके अंदर, ये उठा लें और इसके बाद इसको नीचे करें, ये निकल गया। और ये देखें दोस्तों ये होता है फ्रंट यूएसबी केबल कनेक्टर, जो यूएसबी ये लगे हुए हैं ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं यूएसबी केबल हैं, ये यूएसबी केबल है इसकी फ्रंट यूएसबी केबल है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है USB 1, ये लिखा हुआ है मदरबोर्ड के ऊपर, ये येलो कलर में होगी। इसको भी यहाँ से पकड़ेंगे तो फिर ये इसको ऊपर कर लेंगे। ये लगी हुई है ग्रीन, ये है माइक USB 2 लिखा हुआ है, ये भी USB के लिए, ये फ्रंट के लिए, ये भी वो दो चलाती है, ये दो और चलाती है। ये देखें यहाँ पे भी चार लगी हुई होंगी, ये दो उसकी हैं और दो ये पहले चलाएंगी, दो बाद में चलाएंगी, ये ग्रीन होगी। इसको भी यहाँ से पकड़ के हमने ऊपर कर लेना है, ये भी निकल जाएगी। और ये हो गया माइक का सिस्टम, माइक और हेडफोन ये लगे हुए हैं आपके, माइक और हेडफोन। ये इसको भी ऊपर करके जैसे हमने पिछली ग्रिपों को ऊपर पकड़ के खींचा था, थोड़ा जोर दिया था, तो ये भी निकल आएगी वैसे जैसे पहले निकाली हमने। तो ये देखा ये दोस्तों ये लगा हुआ है इसका छोटा सा एक स्पीकर साउंड सिस्टम। तो इसको इस तार को इधर से पकड़ के थोड़ा सा जोर लगाएंगे हल्का सा, ये भी निकल आएगी। और उसके बाद ये ग्रिप आ गई है दोस्तों, ये है ऑन ऑफ बटन की, ये जो खड़ा है हमारा ऑन ऑफ बटन, ये देखें ये जोर देते हैं जिसको ऑन हो जाता है सिस्टम, ये ऑन ऑफ सिस्टम है। इसको हमने ऊपर करके जोर देना है जैसे हमने इस ग्रिपों को उठा निकाला था जोर लेके थोड़ा सा, तो ये हमारी केबल उठ गई निकल गई। तो अब बचे हमारे एक बोल्ट, ये रखा हुआ है हमने ये पेच भी खोल लेना है, ये पेच हमारा खुल गया। ये देखें दोस्तों ये हमारा पेच खुल गया। और उसके बाद हमने यहाँ से इसको पकड़ना है, यहाँ से पकड़ लें या यहाँ से पकड़ लें, थोड़ा सा जोर देंगे, ये बोर्ड खुला हुआ है इसको ये फाइन लाजमी खोलना है दोस्तों ताकि ये टूट ना जाए। ये फाइन की ग्रिप भी जैसे हमने पहले खोली थी वैसे खोल लेते हैं, ऊपर जोर देंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से पकड़ें आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से पकड़ें आपकी मर्ज़ी है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से निकालना है ताकि ये टूटे ना, कहीं से खराश ना आए एक बोर्ड को। ये देखें हमारा मदरबोर्ड अब बाहर निकल गया है, ये देखें दोस्तों ये खाली हो गया। ये पेच इसके नीचे चले गए, हम पेच उठा लेते हैं सबसे पहले ताकि हम बोर्ड को फिट करें तो ये कोई मसला ना कर दे नीचे से, नीचे आ जाए तो बोर्ड की कोई प्रंट कोई लाइन ना आ जाए। ये देखें यहाँ से कोई लाइन है कि टूटना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं इसकी फॉल्ट की तरफ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये कार्बन है मिट्टी की वजह से, ये मदरबोर्ड थोड़ा खराश में है, थोड़ा सा इसको जंग लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। ये देखें दोस्तों ये भी लगा हुआ है। उसके बाद ये चिप के पास आ जाएं तो ये देखें आपको ये जंग नज़र आ रहा होगा मिट्टी की वजह से, ये देखें। उसके बाद आपको मैं और जगह पर भी दिखाता हूँ, ये देखें ये मेन आईसी है इसका, ये पावर, ये देखें ये भी आई हुई है, ये भी है, ये जंग की वजह से इसकी लाइनें शॉर्ट हो गई हैं, इसकी वजह से जब ये चलता है सिस्टम शॉर्टेज की वजह से ये बंद हो जाता है, ये देखें दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों ऐसा करते हैं कि इसको आप सर्विस कर लें। सर्विस आप वाटर के साथ भी कर सकते हैं, आप थिनर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे आपको कि ये हमारा बोर्ड जब हम इसको एडजस्टमेंट करें इसकी केसिंग में बॉडी में तो ये गीला ना हो तो खुश कर लें। तो आइए दोस्तों मैं इसको सर्विस भी करता हूँ, सर्विस करके आपको बताऊँगा कि इसको किस तरह से फिट करना है और किस तरह से लगाना है। दोस्तों ये था हमारा सर्विस करने के लिए मदरबोर्ड। तो सबसे पहले हमने एक बात याद कर रखनी है, ये जो सेल मैंने निकाला हुआ था, ये सेल मदरबोर्ड जब भी कोई मदरबोर्ड आप सर्विस करें तो ये सेल लाजमी निकालना है आपको। ये क्लिप है उसका, ज़रा ज़ोर देंगे इसको साथ तो ये निकल आएगा, ये आपका मदरबोर्ड का सेल निकल आया। उसके बाद हमने ये हीट सिंक भी उतारना है, हीट सिंक उतारेंगे ताकि हमारा ये जो नीचे आईसी लगा हुआ है
इसकी भी साफ़ तरह से ठीक तरह से सर्विस हो जाए। इसका भी क्लिप लगा हुआ है, ये देखें ये क्लिप लगा, इसको थोड़ा सा इधर से दबाएंगे तो ये हो गई, ये क्लिप को थोड़ा सा इधर से हो देंगे तो ये क्लिप उस क्लिप से बाहर निकल गया, ये देखें। और ये भी लगा हुआ है, इसको भी वैसे खोलना है जैसे हमने पिछले को खोला है, इसको ज़ोर दे के थोड़ा सा इधर कर लेंगे तो ये हमारा दो दो तरफ से खुल गया है, दो तरफ से रहता है। तो ये इसको थोड़ा सा जैसे पिछले वाले को हमने दबाया, इसको हल्का सा ज़ोर देंगे, ये इसकी पिन बाहर आ जाएगी, ये देखें ये इसकी पिन बाहर आ गई। बाकी ये रहा हमारा, इसको भी हमने ऐसे खोलना है, ये निकल, ये देखें ये हमने निकाला, इसको ये निकल गया, ये हमारा आईसी आ गया। इसको भी साफ़ तरह से सर्विस करनी है हमने ठीक तरह से, ये देखें जो भी इसमें इसके अंदर इंशाल्लाह मसला होगा वो सब हल हो जाएगा हमारा। ये रीस्टार्ट भी नहीं मारेगा, डिस्प्ले भी दे देगा इंशाल्लाह। मैं इसको सर्विस करके फिर वो भी आपको दिखाता हूँ, ऑन करके भी दिखाऊंगा। ये देखें दोस्तों हमारे बोर्ड की सर्विस होगी, आप देख रहे हैं कैसे ये चमक रहा है। तो अब इसको हम अगला प्रोसेस इसका जारी करते हैं, अगला प्रोसेस में डालते हैं इसको। यहाँ पे इसको सीधा रखें, जिस जगह पे भी रख सकते हैं आप रखें। ये है बिलोर, इसके साथ हवा होती है, हवा मारनी है इसको ताकि इसका जो इसके ऊपर लिक्विड है ये सारा ख़त्म हो जाए, सूख जाए। ये भी हवा भी लगा सकते हैं, हवा लगा, अगर हवा अवेलेबल ये बिलोर नहीं है आपके पास तो आप इसको 2-3 घंटे धूप पे भी सुखा सकते हैं ताकि इसमें जो भी लिक्विड है, नमी है, ये सब सूख जाए, खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद फिर हम इसको फिट करेंगे। ये टोटल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, खोलने से शुरू हुआ है और ये फिटिंग तक, और इसको ऑन करके भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। चलें दोस्तों ये प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो गया है, तो हमने अब बोर्ड को केसिंग के अंदर डालना है, बॉडी के अंदर डालना है। तो जिस तरीके से हमने निकाला था इसको, तो वैसे ही इसको हम डालते हैं इसके अंदर। ये केबिन उठा लें, ये देखें ये साकेट लगे हुए हैं नीचे बॉडी के अंदर, ये पोर्ट हैं इसके, साउंड वाला है, PS2 वाला कीबोर्ड वाला है, तो ये ग्राफिक वाला है, USB है। तो इसको इसके बराबर रख के थोड़ा सा हल्का सा जोर देंगे तो ये पेच बिल्कुल बराबर से आ जाएंगे हमारे। ये देखें दोस्तों ये पेच बिल्कुल बराबर से आ गए हैं हमारे, ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें। अब इसको हम पेच लगाते हैं तो फिर हम इसकी डिस्प्ले चेक करते हैं, सर्विस हो गया इसकी, डिस्प्ले के बाद देखते हैं कि आप ये हमारा मसला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। जिस तरीके से हमने इसके नट खोले थे तो उस तरीके से हम दोबारा इसको फिट करते हैं, ये देखें। जिस जगह से हमने नट खोले थे ये वहाँ से नट लगा देते हैं, वहाँ पे पूरे मदरबोर्ड के ऊपर नट लगा लेते हैं ऐसे एक एक करके, ये फुल टाइट कर देना है इसको। ये दोस्तों हमारे नट साथ लग गए, ये देखें जिस जिस जगह से हमने खोले थे उस जगह पे हमने नट लगा दिए हैं। तो ये सबसे पहले इसका फाइन पड़ा है, ये फाइन एडजस्ट करने के ऐसे क्लिप बना हुआ होगा, क्लिप के बराबर रख के इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमने ये पावर बटन लगाना है, पावर बटन ये देखें, ये इसकी सॉकेट है, ये देखें ये यहाँ से इसका सर्किट भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन देख लें दोस्तों। यहाँ पे एक पिन खाली आ रही है तो इसमें भी एक पिन खाली होगी, छोड़ी होगी, ये देखें आप नज़र आ रही होगी आपको। तो उसी जगह पे रख के हम इसको थोड़ा सा हल्का सा जोर देंगे तो कलर भी वैसा होगा, ये देखें नीचे भी ब्लैक है, ये ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, ये भी ब्लैक है। इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा बराबर रख के तो इसको थोड़ा सा जोर देंगे हम, ये पेन हमारी टेढ़ी होगी थोड़ी सी, ये सीधी कर लेते हैं हम, ये सीधी होगी तो ये देखें उसके ऊपर रख के बिल्कुल जोर दिया है तो ये लग गई है। उसके बाद हमें स्पीकर एडजस्टमेंट करनी है, ये स्पीकर की केबल भी हमने लगा ली। तो उसके बाद ये आ गई हमारी, ये फ्रंट ऑडियो आ गई है, ये लिखा हुआ है मदरबोर्ड के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं, ये देखें छोटे से अल्फाजों में। ये ब्लू जैक उसके ऊपर बिल्कुल लगाना है, ये देखें ये भी जगह छोड़ी हुई है दोस्तों सर्किट के ऊपर, इसमें भी क्लिप में भी ऐसा होगा। तो ये इसलिए निशान छोड़ा होता है कि इसको इसके बराबर रख के दबाएं तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगी, ये फिट आ गई बिल्कुल। ये आ गई हमारी दूसरी पोर्ट, USB पोर्ट, तो इसका भी ये निशान हल्का सा छोड़ा हुआ है, सर्किट में से एक पिन नहीं है इसकी, इसका भी ऐसे होगा, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम इसको ऐसे रख के दबाते हैं तो
जोर देंगे तो ये भी फिट हो जाएगा, अपनी जगह पे चला जाएगा। ये हमारी पिन फिट हो गई है देखें, और ये भी फ्रंट यूएसबी, ये भी पिन छोड़ी हुई है, ये देखें सर्किट, ये भी ऐसे हो गई, ये देखें ये खाली है बिल्कुल। एक इसके ऊपर रख दें इसको, ये हमारी सर्किट होगी फिट। के बाद हमने पावर सप्लाई लगानी है अपनी, जो निकाली थी पावर सप्लाई सिस्टम की, ये लाकें इसकी बनी हुई है, ये देखें, ये इसके बराबर बिल्कुल रखेंगे सॉकेट को, ये देखें ये भी, और ये भी डबल क्लिप बने हुए हैं इसके, ये देखें ये भी, ये इसके बराबर रख के इसको ऐसे दबाएंगे तो ये बिल्कुल फिट आ जाएगी, ये देखें बिल्कुल फिट हो गई है। तो इसके क्लिप भी वैसे लगाते हैं जैसे हमने खोले थे उतारे थे, ये पहला क्लिप लगाना है इसका, ये दूसरा जम्पर, ये निशान देख रहे हैं आप, इसको लॉक को थोड़ा जोर देंगे तो इधर रख के छोड़ देंगे, ये फिट आ गई। उसके बाद ये भी पावर सप्लाई की केबल जा रही है तो ये पोर्ट इस मदरबोर्ड के ऊपर लगा के जोर दे देंगे, ये फिट होगी हमारी, एडजस्ट हो गई। तो आइए दोस्तों, हम इसमें, आप ये सेल निकाला था, हम इसमें सेल डालते हैं, ये देखें दोस्तों ये सेल इसके ऊपर रख के इस जगह पर बिल्कुल बराबर रख के हम जोर देंगे तो एक क्लिप में एडजस्ट हो जाएगा, ये एडजस्ट हो गया है। अब हम ये हीट सिंक रखते हैं इसका, ये हीट सिंक का, ये देखें ये साइड ऊपर वाली साइड देख लें आप, चेक कर लें यहाँ से, ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा यहाँ रखेंगे। तो इसके बाद इसको फुल टाइट कर देंगे हम, ताकि हमारा प्रोसेसर ठीक रहे, गर्म ना हो, हीट ना हो। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल इसको टाइट किया है जैसे हमने खोला था, ये उसके ऊपर रख के फिर इसको दबा दें, इसको एडजस्ट करें, इसको टाइट कर दें बिल्कुल, ताकि हमारा बोर्ड हीट ना हो। ये इसका तीसरा पेच है, ये भी हो गया, और ये बोर्ड हो गया इसका आखिरी केबल वाला, हीट सिंक वाला। अब ये पावर सप्लाई जा रही है, आप देखें ये पावर सप्लाई है हार्ड की और डीवीडी रूम की, ये एडजस्ट कर दें, ये पोर्ट दो लगे होंगे दोस्तों, ये देखें ये भी, जहाँ भी लगा देंगे मसला नहीं है, पावर वहाँ से जाएगी हार्ड डिस्क में, जहाँ से भी लगाएंगे वहाँ से पावर देगा मदरबोर्ड। तो दोस्तों ये हम इस मदरबोर्ड की रैम है, ये रैम स्लॉट आप देख लें, ये देखें ये बीच में चेक किया हुआ है, स्लॉट दी हुई है। स्लॉट के बाद हम सबसे पहली रैम जो है वो ब्लैक सॉकेट में लगानी है, ये है ब्लैक सॉकेट इसकी। ये क्लिप खड़े हैं, क्लिप को थोड़ा हल्का करेंगे, इसको भी इधर करेंगे तो यहाँ रखेंगे बिल्कुल, ये देखें ये भी बराबर होगा, स्लॉट इसमें भी दी हुई है बोर्ड में, और इसमें भी कट दिया हुआ है, ये कट लगाएंगे। ये हमारी वीडियो इसमें लग गई है, देखें रैम एडजस्ट करते हैं हम, ये इसके ऊपर रखें बिल्कुल बराबर, जब रखेंगे तो ये फिट आ जाएगी। इधर थोड़ा ज़ोर दे दें और इधर भी थोड़ा ज़ोर दे दें, ये हमारी अब रैम जो है एडजस्ट हो चुकी है इसके अंदर। अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये डिस्प्ले दे रहा है कि नहीं, कि आप विजय केबल लगाएं, ये विजय केबल ग्राफिक केबल लग गई इसकी, इसके जैक के अंदर लगा के इस पावर को आप पावर केबल लगाएंगे इस सॉकेट में, ये पावर केबल लगी और तो ये कीबोर्ड लग गया हमारा, कीबोर्ड लगा लिया जो, ये यूएसबी दी हुई है, जहाँ पे भी आप कीबोर्ड लगा दें चल जाएगा। और इसके बाद हम पावर बटन दबाते हैं इसका, ये देखें दोस्तों इसकी लाइट जल गई है, तो पहले ये डिस्प्ले नहीं दे रहा था, आप ये देखें आप डिस्प्ले दे रहा है, ये आपकी मेमोरी शो कर रहा है, ये आप ऑप्शन आ रहा है इसका टाइम डेट सेट, यह सिस्टम ऑप्शन 162 सिस्टम ऑप्शन नॉट सेट, F1 दबाएंगे, ये कीबोर्ड है, ये F1 दबा दिया हमने, ये देखें ये रिस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम हमारा। रिस्टार्ट होने के बाद ये चल जाएगा सिस्टम, आप देखें ये हमारा सिस्टम चल गया। तो इसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है 163 टाइम एंड डेट सेटअप, तो हम F10 दबाएंगे यहाँ पे कीबोर्ड पे, यहाँ जाके इंग्लिश लैंग्वेज पे ओके करेंगे तो ये है टाइम डेट सेटिंग, ये आप चले जाएं यहाँ पे टाइम डेट सेटिंग एडजस्ट करके, तो फिर आप सेव करेंगे इसको, सेव करके फिर जब ये सिस्टम रिस्टार्ट करेगा उसके बाद हमारा सिस्टम बिल्कुल ओके हो जाएगा, ये टाइम डेट का ऑप्शन भी छोड़ देगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, इसको देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो में आप सीखिएगा ये बॉक्स कैसे ओपन किया जाता है, और आप इसमें सीखिए, आपको फ़ायदा होगा। और कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो की तरफ फिर मिलते हैं।